एक्टिवा, एक्टिवा का जो पीछे होता है, मैं इसमें ये दिखा दे रहा हूँ कि जो सॉकअप का ये होता है पीछे का, ये कुछ इसमें लगा हुआ रहता है पीछे का जो सॉकअप है उसका, जो पूछ है पूछ कैसे चेंज किया जाए अंदर का, और आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं इसमें, और भी आता है ये देखिए, एक इधर लगा हुआ है, एक वो साइड लगा हुआ रहता है, इस एक एक पूरा चेंज करने के लिए पूरा इसको इंजन पूरा डाउन बाहर निकालना पड़ता है, इंजन निकाल के तभी चेंज होता है। अभी जो मैं सॉकअप का बता रहा हूँ, ये देखिए सॉकअप को मैं जैसे बताऊँगा चेंज करने का, आप उसको भी चेंज कर सकते हो इजी से एकदम। अभी इसमें जो 12 नंबर का वो, पहले मैं इसका साउंड सुना दे रहा हूँ आपको, इसका साउंड कैसे आता है कि जो बुश कटने के बाद, ये देखो ऐसी आवाज आएंगे, देखो पूरे ऊपर नीचे हो रहा था कभी देखो। तो इसमें क्या होता है, इसका मार इसमें लगता है उसका साउंड आता है। अभी इसको मैं खोल दे रहा हूँ, ये 12 नंबर का वोल्ट है, ये ढीला हो गया, वो भी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ बोल्ट। अभी देखिए बोल्ट मैं निकाल दिया हूँ, इसका जो सॉकअप का है देखो पूरा कटा हुआ है, देखिए ये कुछ इसका निकल जा रहा है, ये अंदर का निकल गया हुआ, अभी इसके अंदर और रहता है। ये कैसे निकालने का आपको उसको तरीका बता रहा हूँ, आपको इसी से आप कर सकते हो इसे। अभी देखिए एक सुलेड है, एक सुलेड ऐसे लगा के देखिए, इसमें ऐसे पुश कर देना चाहिए तो इसमें लॉक हो जाएगा, बुझे देखिए ये लॉक हो गया, तो इसको कटिंग करना चाहिए। अभी कटिंग कर दे रहा हूँ मैं, खाली जो बुच है वो बुच कटिंग होगा, अंदर का जो कास्टिंग है वो कटिंग नहीं हो पाएगा, नहीं होगा वो, इसे देख के कटिंग करना चाहिए। अभी देखिए मैं थोड़ा कटिंग कर दिया हूँ, अब इसको क्या करना चाहिए, इसे स्क्रू ड्राइवर लेना चाहिए, इसको लगा के थोड़ा हल्का हल्का मार के देखना चाहिए, ज़्यादा ताकत से मारोगे तो टूट जाएगा, इसको संभाल मारना चाहिए। देखो अभी मार रहा हूँ निकल नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा और काट देना चाहिए। अभी एक तरफ मैंने काटा था, अभी थोड़ा और काट देना थोड़ा से, तो इजी से निकल जाएगा। जैसे मैं सॉकअप को बता रहा हूँ उससे आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं इंजन का। अभी ये देखिए मैंने एक तरफ काटा, दूसरी जगह काटा मैंने, अब इसको क्या करना चाहिए, ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके वापस हल्का हल्का मारना चाहिए। ये देखिए मैं मार दिया, ये देखिए, ये देखिए इसको टुकड़ा थोड़ा सा आ गया हुआ, ये निकल गया, अभी तो अभी पूरा निकलना बाकी है इसका, ये देखो एकदम इजी से आ जाता है, ये इजी से पूरा ऐसे आ गया, देखो दो जगह से पूरा कटिंग हो गया था, ये देखिए तो इजी से आ जाता है। अब इसको आपको लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं, अभी देखिए पूरा मैं जो कटिंग किया था, अभी ये जो बुच है ये देखो, अगर आप ऐसे रख के मारोगे उसको, ये देखिए ऐसे मैं मार के आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे करना मत आप, ये देखिए ऐसे करना मत, ऐसे अगर आप करोगे तो जो है कास्टिंग है टूट जाएगा, कास्टिंग है लोखन नहीं है, इस पर क्या करना चाहिए, आप रॉड रख के या कुछ भी रख के इसको इधर से सपोर्ट लिया रहना चाहिए, ये देखिए इधर सपोर्ट लेके फिर इसके ऊपर मारना चाहिए, सपोर्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, आप इस पर मार सकते हो, इस पर ऐसे इसका काम करना चाहिए, मैं आपको इजी बता दे रहा हूँ इसलिए। ये देखो अभी बराबर लग जाएंगे, ये देखिए पूरा परफेक्ट एकदम बराबर बैठ गया हुआ है। अगर आप इधर सपोर्ट रख के नहीं करोगे तो क्या होता है, कास्टिंग टूट जाएगा। जैसे मैंने इसका भी तरीका बताया हो वैसे आप इंजन का भी कर सकते हो,
अभी जो सॉकअप मैंने खोला था, अभी सॉकअप का ये जो बोल्ट मैं अभी लगा दे रहा हूँ, पहले उसका पाइप निकाल, पाइप लगा दूँ इसका। अभी जो सॉकअप का बोल्ट है ये देखो, इस सॉकअप ऊपर गया हुआ है, इसको अभी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे आ गया, अभी इसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ। टाइट करने के बाद अभी देखा था पहले जो साउंड आ रहा था खट खट करके, अभी उसको साउंड नहीं आएगा, पहले मैं उसको टाइट कर दे रहा हूँ। ये अभी टाइट हो गया, अभी ये देखिए ऐसे करूँगा, अभी साउंड नहीं आ रहा। देखिए पहले साउंड आ रहा था, पहले पूरा हिल रहा था ये, अभी देखो नहीं हिल रहा है। जैसे मैंने आपको ये सब तरीका बताया, आप सब तरीका यूज करोगे तो आपको भी एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर परफेक्ट चेंज हो जाएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको दोस्त लोग को भी मालूम पड़ जाए, हाँ भाई ऐसे काम होता है, कैसे काम इसको इजी से आप कर सकते हो। अभी आपको जैसे मैंने तरीका बताया था, इसमें तरीके देखो, सुजुकी एसएस है, सुजुकी एसएस में भी आता है ये, देखिए इसमें भी कुछ आता है। इसमें जैसे मैं तरीका बताया उसका तरीका इसमें भी यूज कर सकते हो। कोई भी गाड़ी में अगर लगा हुआ ऐसे रहेगा, सुजुकी एसएस से देखे 125 cc, ऐसे जो सॉकअप का बूस्ट कोई भी गाड़ी का आता है, तो आप इसमें ऐसे चेंज कर सकते हो। देखिए